नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों आज हम आपको सांस फूलना, सांस चढ़ना जैसी समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। सांस फूलना या सांस चढ़ना एक बेचैन भरी स्थिति होती है। जब हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं जा पाती तो सांस फूलने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों जब हम बहुत अधिक फिजिकल वर्क करते हैं या मेंटल स्ट्रेच में होते हैं तो सांस फूलना एक आम बात है। अगर बिना मेहनत किए ही हमें हम आराम कर रहे हों या बैठे हों और सांस फूलने लगे, सांस चढ़ने लगे तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण हो सकता है। हृदय या फेफड़ों संबंधी कोई समस्या होने के कारण भी सांस फूलना एक आम बात है। दोस्तों इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण ओवरवेट के कारण भी सांस फूलने की समस्या होती है। इसके अलावा धूल, धुआं और अत्यधिक ठंड के कारण और बहुत अधिक मेहनत फिजिकल वर्क करने के कारण भी सांस फूलने की समस्या होती है। और व्याधि विशेष की स्थिति, जैसे जो लोग अस्थमा के रोगी होते हैं उन लोगों को भी यह समस्या हो जाती है। सांस फूलना या सांस चढ़ने की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे भुजंग आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं या फिर अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 5 सेकंड होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी छोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। पहले इसे आप ऐसे ही मध्यम गति के साथ 6 से 7 बार करें, फिर आप इसे तीव्रता से श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे ऐसे। ऐसे ही इसे करने से हमारे फेफड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाती है और श्वसन संबंधी समस्त विकार दूर होते हैं। और इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को सीने में दर्द, सीने में जकड़न, अकड़न की समस्या होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। अब इसके बाद इस भुजंग आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने एक हथेली के ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपनी छोटी को ऐसे अपनी हथेली के ऊपर रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी को ऐसे अपने हथेली के पास लगाते हैं। फिर तीव्रता से फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन तिलक भुजंग आसन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और फिर ऐसे अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ देते हैं और लेफ्ट पैर के हील को ऐसे देखने की कोशिश करते हैं और फिर सेंटर में आते हैं। फिर ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ते हैं और अपने राइट पैर के हील को ऐसे देखने की कोशिश करें और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपनी छोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करते हैं। यह इसका एक चक्र हुआ। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को मध्यम गति के साथ और लंबी गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने पेट के पास सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। अब आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर और अपनी हथेली पर ऐसे रखते हैं। 5 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए भुजंग आसन और श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। ऐसे ही से 10 से 15 बार आप करें। और फिर इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।
इसके बाद हम करेंगे उत्तान शीर्षासना। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और वहां छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आपने आना है और कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने घुटनों को ऐसे जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हैं और अपने हाथों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपनी छाती को अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे ही इस उत्तान शीर्षासना की पोजीशन पर रहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, यह अभ्यास को करने से हमारे सीने की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं और यह अभ्यास सीने में दर्द जकड़न की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास होता है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे ही डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और फिर इसके बाद ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे मरजारी आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं और फिर इसके बाद अपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर को ऊपर की तरफ करते हैं और अपनी पीठ को नीचे की तरफ आपने करना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने दोनों बाजुओं के बीच में लाते हैं। अब आपकी पीठ ऐसे ऊपर की तरफ रहेगी, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे ही इसे आप 10 से 15 बार कीजिए। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे थोड़ा आगे को ले जाते हैं और अपने दोनों घुटनों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं और ऐसे श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे को और पीठ ऊपर को करना है। और फिर इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। कपाल भांति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए।